Good morning, dear students. Let's start today's activity. For that, you need to open your book and whatever question I will ask, you have to underline the answers in your book. And side by side, हमारी reading भी हो जाएगी और chapter में आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ से आपको read करना है, क्या read करना है, हमारे chapter में क्या है. So, first of all, राइट एनी टू फूड ग्रेन्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, ओपन योर बुक, यू मस्ट हैव ओपन योर बुक, पेज नंबर 77, चैप्टर 13, यूजफुल प्लांट्स, एंड ऑन पेज नंबर 78 यू विल गेट दिस आंसर. टू फूड ग्रेन्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. क्विकली अंडरलाइन द फूड ग्रेन्स इन योर बुक एंड राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. You can also see the right answers on your screen. Food grains we get from plants are wheat, rice, maize. You can also see the pictures. Fine. Now, moving further, name any two vegetables we get from plants. All the vegetables we get from plants. Underline the vegetables mentioned in your books. And write in the chat box any two vegetables we get from plants. All the vegetables we get from plants. Plant gives us vegetables, cabbage, spinach, tomato, ladyfinger. I have shown some pictures. You can mention any, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो आपने लिखना है कि कौन सी वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलती हैं. All the vegetables. Next, name any two vegetables we eat are roots. जैसे कि मैम ने आपको पहले भी बताया, हमने चैप्टर में रीड किया था कि जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी वेजिटेबल रूट की तरह ग्रो करती हैं प्लांट के. रूट होती हैं हमें, हम जिन्हें वेजिटेबल की तरह खाते हैं कि रूट्स होती है वो प्लांट्स की. अपनी बुक में आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, पेज नंबर 78 के लास्ट में देखिए. टू वेजिटेबल्स वी ईट आर रूट्स आर रेडिश, कैरेट. जब आप रेडिश एंड कैरेट का प्लांट देखेंगे तो आपको ओनली लीव्स नजर आएंगी. क्यों? क्योंकि रेडिश एंड कैरेट ये रूट्स होती हैं जो अंडरग्राउंड होती है, ग्राउंड के नीचे मिट्टी में. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, नेम एनी टू वेजिटेबल्स विच आर स्टेम्स. वो वेजिटेबल्स अब आपने बतानी है जिन जो प्लांट की स्टेम्स होती हैं. Yes, and very interesting thing I'm going to tell you about the answers. आपकी बुक में जो answers हैं उन्हें आप underline करिए. The answers are potato and ginger. जब आप potato, wait, को उन vegetables के name बताने हैं जो stems हैं. And very interestingly, the books, the names which are mentioned in your books, potato and ginger, ये stems हैं बेटे. लेकिन जब आप इनका plant देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी underground है, ये भी जमीन के नीचे होते हैं क्योंकि ये underground stem है. ये stem underground है, जमीन के नीचे होते हैं. Potato, ginger. Next, name any two vegetables which are leaves. That is very easy. Green leafy vegetables आप खाते हैं. Cabbage, spinach. Cabbage आपको एक round flower की जैसा लग रहा है, but ये actually plant की leaf होते हैं. जब आप इसको cut करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें सारी leaves हैं. तो ये leaf है, plant की leaves होती हैं cabbage.
I hope all have underlined. Next, name any two vegetables which are fruits. अब ये प्लांट के ऊपर फ्रूट की तरह ग्रो करती हैं ये वाली टू वेजिटेबल्स. अपनी बुक में आपने अंडरलाइन करना है. एंड द आंसर इज टोमेटो एंड लेडी फिंगर. टोमेटो एंड लेडी फिंगर प्लांट के ऊपर ये फ्रूट की तरह ग्रो करती हैं और हम इन्हें वेजिटेबल की तरह खाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइसेस इन अवर फूड. स्पाइसेस मींस मसाले. आपके मम्मा सब्जियों में मसाले डालते हैं, चाय में इलायची डालते हैं या दूध में इलायची डालते हैं, ये सब क्या होते हैं? मसाले. तो आपको बताना है व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइसेस, क्यों ऐड किए जाते हैं स्पाइसेस फूड में. इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 79. स्पाइसेस मेक अवर फूड टेस्टी. स्पाइसेस को ऐड करने से फूड टेस्टी बन जाता है. एंड यू कैन लुक इनटू द पिक्चर कि कितने सारे स्पाइसेस मैम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ बेवरेजेस. टी एंड कॉफी पी जाती है. आप बच्चे तो नहीं पीते होंगे, पेरेंट्स आपके जरूर लेते होंगे टी एंड कॉफी. तो आपको बताना है कि इसको इसको पीने का क्या यूज है, क्यों पी जाती है टी एंड कॉफी. इसका आंसर भी है पेज नंबर 79 पे. क्विकली फाइंड आउट एंड द करेक्ट आंसर इज बीवरेजेस कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव. ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस ऑयल. हमें पता है कि जो ऑयल है वो हमें प्लांट से मिलता है. सीड्स आर क्रश्ड टू ऑब्टेन ऑयल. कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स को क्रश करके हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स मिलते हैं. वी यूज ऑयल फॉर कुकिंग एंड मेकिंग सोप्स. नाउ You have to tell me which plant give us oil. आपके बुक में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बता रहे हैं कि उनसे ऑयल मिलता है, बट आपको यहाँ पे मेंशन करना है only one of your choice. Underline in your book which plant gives us oil. And ma'am has mentioned sunflower. और आपको पता है जो sunflower होता है उसका नेम sunflower क्यों है? एक तो ये देखने में भी सन जैसा है. एंड वन मोर थिंग कि जिधर जिधर सन जाता है ये उधर उधर अपना फेस टर्न करता रहता है. नेक्स्ट, फाइबर्स. हमने क्लोथ्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ना फाइबर्स. फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, सैक्स, मैट्स, रोप्स. ये चीजें आपको अपने घर में मिलेंगी ना. Different fibers are used for that. Now you have to tell me which plant give us cotton. Cotton fiber हमें कौन से plant से मिलते हैं? Yes, find out the answer on page number 80. एक picture दी हुई है जहां से आपको इसका answer मिलेगा. And the answer is cotton plant. Very easy. Cotton fibers हमें मिलते हैं cotton plant से. Jute fiber हमें मिलते हैं jute plant से. Next, juices of which flowers are used to make perfumes? कौन से flowers के juices से perfumes बनते हैं? Yes, juices of flowers like rose and jasmine is used to make perfumes. Underline this line. आपने याद रखना है कि rose and jasmine flowers के juices से perfumes बनाए जाते हैं. Okay, you can see the plants also. Next,
juices of which flowers are used to make shampoos? इसकी ही next line में आपको मिल जाएगा इसका answer कि कौन से flowers के juices से shampoos बनते हैं. The wax of seeds of jojoba plant is used to make shampoos. And here मैम ने आपके लिए पिक्चर भी रखी है देखने के लिए कि कैसे होते हैं जोजोबा प्लांट और उसके सीड्स कैसे होते हैं. यू कैन लुक हियर ऑन द स्क्रीन. फाइन. नेक्स्ट मेडिसिन. बहुत सारी मेडिसिन हमें मिलती हैं प्लांट से. मेडिसिन सच एज क्विनीन एंड पेंसिलिन कम फ्रॉम विच प्लांट. यस अंडरलाइन करिए अपनी बुक में. दिस इज तुलसी प्लांट. तुलसी प्लांट इज अ मेडिसिनल प्लांट. इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यूज है इस प्लांट की. विच प्लांट इज यूज टू मेक गम. अंडरलाइन द आंसर इन योर बुक एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन अकेशिया प्लांट. बबूल ट्री भी जिसे बोलते हैं. You can look the tree in on the screen. और आपको मैंने leaves को closely दिखाया है कि कैसी उसकी leaves होती है. Next, which plant is used to make paper? And the answer is bamboo plant. Bamboo plant. You can look the picture. कैसा होता है बैम्बू प्लांट. नेक्स्ट विच प्लांट इज यूज टू मेक रबर. एंड आंसर इज वेरी सिंपल रबर प्लांट. दैट्स ऑल फॉर टूडे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन. Thank you.